कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिले, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। Hey, hi, welcome to FSA Entertainment. मैं Silver Agro and Livestock Goat Farm पे हूँ। I get little confused, Adnan bhai. Silver Livestock and Agro or Agro? Silver Agro and Livestock. Silver Agro and Livestock. So I was right. बहुत interesting बकरा बता रहे हो इस वीडियो में। ये बकरा क्या यूनिक नस्ल का है क्या कलर की वजह से? नहीं, ये कलर के ऐसे से यूनिक है। ओके। बाकी ये बकरा सोजत का ही है, हैदराबादी क्रॉस है। और नाम है इसका कैरमल कपला। हाँ, कैरमल कपला ही बोल दो उसको। कैरमल कपला नाम है, बहुत खूबसूरत बकरा। नस्ल का नाम नहीं है, बकरे का नाम जी, बकरे का ही। और है हैदराबादी सोजत क्रॉस। हैदराबादी सोजत क्रॉस है ये। इसके कान का, इसके कलर का ही पैसा है। दद्दू भाई बोले भाई पाकिस्तानी बकरा करके डाल दो। हाँ दद्दू भाई, पाकिस्तानी ऐसा रिसेम्बल कर रहा है। हाँ कर रहा है ना, कपला बोले तो वही का है ना। बकरे की स्टोरी है फाद भाई। क्या स्टोरी है? ये बकरा राजस्थान से बिका। हाँ। ये हैदराबाद गया, बेंगलोर। हाँ। फिर वहाँ से बॉम्बे आया। अच्छा। बॉम्बे से फिर अबू बकर भाई ने इसको खरीदे थे। हाँ। और अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट में, मतलब जब देखा था जब उतना बड़ा नहीं था बकरा, 70 किलो का अबू बकर भाई ने खरीदे थे। अभी ये बकरा 100 किलो का होगा। 100 किलो का बकरा है? 100 किलो के कम नहीं होगा माशाल्लाह। वैसे अगर बकरों में अगर कोई जैसे ब्यूटी पेजेंट्स होता है ना, ब्यूटी पेजेंट्स में एक मिस कंजीनियलिटी होता है, तो अगर बकरा इंडस्ट्री में एक मिस्टर कंजीनियलिटी अवार्ड होगा तो दद्दू भाई के पास जाएगा, बिकॉज ही इज लाइक फ्रेंडली विद एवरीबॉडी एंड गोस टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फार्म। तो मिस्टर कंजीनियलिटी का अवार्ड आप ही को जाना चाहिए। दद्दू भाई ठीक है, चलिए बकरा बताते हैं। फोर सेल है जी? फोर सेल है। इधर लो बकरा। वेयर इज इट गॉन? लास्ट टाइम आप इतना सिंगार विंगार करके नहीं बकरे को बताते थे, अभी नाम भी। और ये चाइल्ड हैज ग्रोन ओल्ड जी, तो ही हैज टेकन चार्ज। वही करता, उसका शौक है, ठीक है, और वही सब कर रहा है। ये आपने इतना बड़ा लाइक यू हैव मेड अ ह्यूज गोट फार्म, व्हाट नेक्स्ट? आई मीन आपके बाद कौन देखेगा? डू यू हैव दैट थिंग इन माइंड कि मेरा बच्चा ही देखेगा? नहीं, लड़के को शौक है तो संभाल लेगा। देखो ये काम ही शौक का है। बिल्कुल। शौक नहीं है ना तो ये काम बोझ है। इसमें जो मेहनत है ना, जैसा दूसरा हम बॉम्बे में काम करते, मेरा दूसरा जो काम है उसमें उतनी मेहनत नहीं है। अब मेरा जो बड़ा लड़का है ना, उसको बिल्कुल भी, उसको बोल दो 1 घंटे के लिए भी आने नहीं आएगा। अच्छा। आपका नाम भी लिया आ रहा है फाद भाई वीडियो, तो भी नहीं आया। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, ये शौक के ऊपर है, जिसको शौक रहेगा वो वही संभाल पाएगा। बिल्कुल। वेयर इज इट गॉन? तो ये तुम ही कर रहे हो? क्या नाम है इनका? खुजैमा। खुजैमा, खुजैमा आप ये बनाए हो पूरा जो बैच वगैरह है ना, और आपको शौक है? जो मछली पालता था पहले? ये ग्रोन ओल्ड ना? हाँ। अभी गोल्ड फिश ढूंढ रहे हम लोग। गोल्ड फिश? हाँ। ये बकरा है जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी। कान देखो बहुत लंबे, ये कान का ही है, सब का ही पैसा इसका। बाकी बकरे की देखो वैल्यू नहीं होती, खूबसूरती के पैसे। मैंने बताया ना, ये बकरे भी बहुत ऊंची जगह से घूम घूम के आया हुआ है। ये 30-35 किलो का बच्चा था, तभी वहीं से बिका था 50-60 हजार में, पिपाड़ से। अच्छा। ये सिर्फ कलर के पैसे 35-50 हजार में बिका हुआ है, और क्या। तो अभी वी कैन एक्सपेक्ट, व्हाट प्राइस कैन वी एक्सपेक्ट? ये इसका हम देखो फाइनल मांग रहे हैं 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए? ये कीमत का ही बकरा है, ये उसका नहीं है। हाँ। कि भाई वैसा हमने भी लाया शॉप पे। बट आपको लगता है पब्लिक निकालेगी? बिल्कुल। अरे पैसा? क्या बात आप कर रहे हो, वो 50 हजार का 35 किलो का बकरा आदमी ले लिया। So has COVID not affected your बकरा इंडस्ट्री? बिल्कुल भी नहीं। देखो बकरे जो है ना लेने वाले शौकीन, मैंने क्या बोला, शौकीन जो आदमी है ना वो तुरंत ये बकरा सबसे पहले बिकेगा। अच्छा। ये अभी तक मैं सबको यही बोला था पार्टी का है, पार्टी का है, क्योंकि मुझे सेल नहीं करना था। मैं बोला जब बेचना होगा तब डालेंगे। बहुत यूनिक है, ऐसे यूनिक बकरे, यूनिक कलर। मैंने भी कीमत दे के लिया जी। जी, कितने दांत पे हो गए? ये दांत तो मैं चेक नहीं किया, दांत चेक कर लिए। 6? मेरे दांत उसका तो होना चाहिए। 6 दांत है? 6 दांत है। 8वां तो अभी तोड़ा नहीं, 6 दांत ही, तोड़ा नहीं है ना। 6 दांत, 6 दांत है, 6 दांत। 1 साल और पलटी कर सकते हैं। 36-37 हाइट का? हाँ, उससे ऊपर का नहीं, बकरे ऊपर का नहीं है, कांटे पे खड़े करता है। 100 किलो तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो इधर तैयारी 70 किलो में मैंने लिया था उसको। 0 का 0 का 0 का 103। 104 किलो का बकरा है माशाल्लाह, विच इज वेरी गुड। 1 लाख इज द आस्किंग प्राइस। जिस किसी को भी लेना है गेट इन टच विद अबू बकर भाई, और इनका नंबर खुजैमा। हाँ, इनका नंबर खुजैमा भाई का नंबर है। डू यू डिलीवर अक्रॉस इंडिया कि भाई आके लेके जाओ? पहले पैसे बोलते थे ना, यहीं पे आके लेके जाओ, मैं डिलीवरी हो सकती है ना। बॉम्बे में ना मैं डिलीवरी कहीं भी कर दूंगा। Okay. हो जाता है बकरीद के नाम। बाहर जिसको करना है ना, कोविड की वजह से 2 साल नहीं हो पाए, प्रॉब्लम हुई बाहर भेजने में, क्योंकि वो केजेस हटा दिए थे, सब प्रॉब्लम था। अब चालू है
कहीं भी चलाएगा। ये बकरे की खासियत ये कि इंडिया में नहीं मिलेगा ऐसा बकरा। अच्छा। दावे से बोलते ये कान वान बाकी देखो तो मेरी जो नॉलेज में अपने इल्म के हिसाब से बोला, ये नहीं कि मैं दुनिया का कोना कोना इंडिया का जानता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज में कहीं नहीं बकरा ये। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह यूनिक है। एनीवे नाम है कैरमल कपला। एनीवे इंटरेस्टेड गेट इन टच विद अबू बकर भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।